भारत के इतिहास में जो सबसे अनपढ़ सरकार है ना, तो वो ये आप सरकार है। हमें नहीं पता सैलरी कैसी होती है, दो साल से हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हम इतनी नाइंसाफी बच्चों के साथ नहीं होने देंगे, उनका भविष्य अंधकार में हम नहीं जाने देंगे। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्किल्स वो ट्रेनिंग तक नहीं है। कौन सी शिक्षा मंत्री है फिर ये, किस बात की शिक्षा मंत्री है? अंदर ही अंदर क्या गेम खेला गया हमें नहीं पता। अधिकारियों के चक्कर काट के चप्पल घिस गई है हमारी। हमारी हार नहीं होगी, हार होगी दिल्ली की उस शिक्षा मंत्री की। जब विदाउट क्वालिफिकेशन आपको ये वाला शिक्षा मॉडल जनता के सामने रखना है, तो आप किसी को भी भर्ती कर लीजिए। जो मुद्दे हमने दिए थे वो मुद्दे ही गायब कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, मैं हूं आपके साथ निशा लखपाल। इस समय हम लोग दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके आवास से महज 500 मीटर की दूरी पे जो है वो मौजूद है, चंद्रगिराम अखाड़े के पास। यहाँ पे SSC के अंतर्गत जो शिक्षक आते हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। और इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्यों आज हमारे आने वाले भविष्य को शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक आज सड़क पर है और केजरीवाल के खिलाफ जो है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, क्यों ये लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। यहाँ पर लोग भी बैठे हैं, आमरण अनशन जो है वो किया जा रहा है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी है आमरण अनशन की, क्यों सड़कों पर है आज महिला शिक्षक? और कल सुबह से, कल पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई सड़क पर बिना किसी छत के, ठंड में ठिठुरते हुए। अगर हम सड़क पर उतरे हैं, बैठे हैं, तो कोई छोटा मुद्दा नहीं होगा। और कोई ऐसा भी नहीं है कि पहली बार है और पहली बार में ही हम सड़क पर बैठ गए हैं। पिछले 4 साल हो गए संघर्ष करते करते, लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते, अधिकारियों के चक्कर काट के चप्पल घिस गई है हमारी। अधिकारियों का अब लास्ट में ये कहना है कि आतिशी मैडम से मिलिए या केजरीवाल से मिलिए, वहीं से हम तो रूल फॉलो करते हैं, ऑर्डर आता है ऑर्डर फॉलो कर लिया जाता है। किस लिए लड़ रहे हैं आप? लड़ इसलिए रहे हैं, हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हम TGT टीचर्स है, जो 6th से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी ट्रेनिंग भी वही है। हम उन बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, लेकिन रातों रात ये ऑर्डर आ जाता है बाढ़ के दिनों में कि अब ये जो टीचर्स हैं MCD की PRT टीचर्स बनेंगी, प्राइमरी टीचर्स, पहली से 5वीं कक्षा को पढ़ाने वाले। ना तो हमारे पास क्वालिफिकेशन है, ना कोई स्किल्स है। सिर्फ ये इसलिए हुआ है MCD की छवि सुधारने के लिए कि हमने टीचर्स की कमी पूरी कर दी। इस तरीके से अगर टीचर की कमी पूरी करनी थी तो किसी को भी भर्ती कर देते, जितने भी पुलिस वाले हैं उनको भी PRT टीचर बना देते, जितने किसी और डिपार्टमेंट में उनको भी PRT बना देते। जब विदाउट क्वालिफिकेशन आपको ये वाला शिक्षा मॉडल जनता के सामने रखना है, तो आप किसी को भी भर्ती कर लीजिए। हम इतनी नाइंसाफी बच्चों के साथ नहीं होने देंगे, उनका भविष्य अंधकार में हम नहीं जाने देंगे। ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि एक टीचर जो 6 से 10वीं तक की कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहा है, अब वो अचानक से प्राइमरी जो बच्चे हैं प्राइमरी के उनको पढ़ाएं, क्योंकि उनकी पढ़ाई अलग होती है, उनको ट्रीट अलग तरीके से किया जाता है। अगर मैं सही हूं तो शायद उन टीचरों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए। उन्हें JBT डिप्लोमा कराया जाता है, उनको अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि उन बच्चों को कैसे टैकल किया जाए। हम जो है हम सीनियर बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें उसी की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें एक्सपीरियंस भी उन्हीं का ही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक अनपढ़ आदमी भी अगर सड़क पे आप पूछोगे ना, तो उसको भी ये पता चल जाएगा कि ये क्या डिफरेंस होता है दोनों में। लेकिन मैं ये कहती हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर हमारी शिक्षा मंत्री आई है, और कौन सी पढ़ाई वो करके आती है, जिसको सबको कहते हैं ना पढ़ी लिखी सरकार। मैं ये कहती हूँ, अगर भारत के इतिहास में जो सबसे अनपढ़ सरकार है ना, तो वो ये आप सरकार है, जिन्होंने इतनी भी नॉलेज नहीं है कि TGT और PRT का डिफरेंस क्या होता है। कौन सी शिक्षा मंत्री है फिर ये, किस बात की शिक्षा मंत्री है? कोई उनसे जाके, मेरे माध्यम से मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि कृपया करके, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करती रहती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें भी समझा दीजिए, क्योंकि हमें अलग समझ में आता है। और वो हमें ये समझा दीजिए कि TGT टीचर्स कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं और PRT कौन से को। अभी मैम ने ये चीज़ बोली है कि सिर्फ MCD के स्कूल्स में टीचर्स की संख्या सही है, ये दिखाने के लिए जो 6 से 10 तक के बच्चों को जो टीचर्स पढ़ा रही थी उनको जो है वो अब प्राइमरी और MCD के स्कूल्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर वहाँ पर टीचर्स की संख्या पूरी दिखाई जाएगी MCD में, तो जहाँ से हटाए जा रहे हैं वहाँ से कैसे भर पाएंगे? वो भरपाई किसी को दिखेगी नहीं ना, क्योंकि जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें तो केजरीवाल सरकार पहले से थी, MCD में नई नई आई थी, और ये दिखाना था कि इससे पहले वाली सरकार ने बहुत बुरा हाल कर रखा था, और हमने आते ही इतनी अच्छी सुविधा दे दी कि देखो हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए लेक्चरार टीचर्स लेकर आ रहे हैं, जिनके पास आपके छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्किल्स वो ट्रेनिंग तक नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्यों अभी तक परमानेंट
परमानेंट भर्तियों में इतने सारे टीचर्स को भर्ती क्यों नहीं कर लिया होता? और अगर ये सच में संवैधानिक था तो जो दिल्ली शिक्षा निदेशालय में प्राइमरी टीचर्स है उनको एमसीडी में भेज देते। सरप्लस हुए थे जुलाई में, 1 जुलाई से पीएफसी लागू हुई थी, कुछ स्कूलों से जो एक्स्ट्रा टीचर्स थे वो कहीं और भेजे गए, उन टीचर्स को एमसीडी में भेज देते, वो तो आपके अपने टीचर्स थे। लेकिन ये सारे जितने भी काम है वो समग्र शिक्षा के टीचर्स के साथ किए गए ये कहकर कि हमारे टीचर्स की ज़रूरत है। ये सारा सब कुछ अगर हम नॉर्म्स पे बात करें तो ये जो हमारे 4 सालों की रिप्रेजेंटेशन है उसके बाद हम यहाँ आकर बैठे हैं। रोड पे हम एक दिन में आके नहीं बैठे, 4 साल हमने विश्वास किया सरकार पर, अधिकारियों पर। 4 साल में हमारे साथ जो धोखा हुआ, अभी 16 अक्टूबर को भी हमने धरना किया था, 16 अक्टूबर के धरने पर जो उच्च अधिकारी है समग्र शिक्षा के, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी इमीडिएट इफेक्ट के साथ मूव ऑन हो रही है और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अंदर ही अंदर क्या गेम खेला गया हमें नहीं पता। हमारी फाइल हमने फैब एंड तक ट्रेस करी और हमें पता चला जो मुद्दे हमने दिए थे वो मुद्दे ही गायब कर दिए और अपने नए मुद्दे उसमें चिपका दिए, जिसके कारण मजबूरी में हमें यहाँ सड़क पे आना पड़ा है। तमाम पेपर्स का हवाला आप दे रहे हैं। जब भी दिल्ली सरकार से कोई सवाल किया जाता है, जब भी कोई विभाग का अधिकारी सड़कों पर उतरता है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो हमेशा जो है वो यही चीज़ जो है वो कहते हैं कि आगे से जो है वो हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, एलजी की साइड से हमें काम नहीं किया जा रहा है, उनके अधिकारियों की साइड से हमें काम नहीं किया करने दिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों पर ठीकरा जो है वो फोड़ देते हैं। अब ये जो शिक्षा नीति है ये तो उन्हीं की सरकार के अंडर आती है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं। मैडम, दूसरों के सर पे ढिंढोरा फोड़ना बहुत अच्छा काम होता है उस सरकार के लिए जो खुद के लिए काम नहीं करना चाहती और सिर्फ दूसरों की कमियां देखना चाहती है। आज केजरीवाल सरकार ये कहती है कि देखिए हम पंजाब में भी आ गए, दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना अच्छा है कि आज हम उसको पंजाब में इम्प्लीमेंट करेंगे, हम वहाँ भी फ्री राशन बांटेंगे। अरे तो कम से कम सालों पहले जो पंजाब में अच्छी शिक्षा नीति थी समग्र शिक्षा की, उसको आपने भी फॉलो कर लिया होता, आपकी सरकार से जो कमियाँ हुई उनकी अच्छाइयाँ तो ले ली होती, या सिर्फ अपनी ही अच्छाइयाँ गिनानी है। आज से सालों पहले कल पंजाब में पंजाब सरकार जो है वो केजरीवाल आप सरकार बनी है, लेकिन उससे सालों पहले वहाँ के शिक्षक, दिल्ली के समग्र शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनसे दुगनी सैलरी ले रहे हैं, तो क्या तब उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि पड़ोसी राज्य है, शायद दिल्ली तो एक मेट्रो सिटी माना जाता है और पंजाब उस मेट्रो सिटी में नहीं आता, वहाँ के टीचर्स की सैलरी भी सबसे ज़्यादा है और दिल्ली की सबसे कम। अगर पूरे भारत में बात करें तो सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य है या यूटी बचता है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की इतनी बुरी दयनीय स्थिति है। 2017 से एक फूटा पैसा जो है सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई, 2 साल से सैलरी भी नहीं दी जा रही, तो आप समझ सकते हैं कि जिन महिलाओं ने कल रात यहाँ बैठ कर अनशन किया, जो यहाँ बैठी रही पूरी रात पर, क्या उनके घरों की स्थिति होगी और किस वजह से वो इस रोड पर आई होंगी। क्लासेस की बात की जाती है, लगातार जो शिक्षा मंत्री हैं वो ट्वीट करती हैं अच्छे अच्छे क्लासरूम्स की फ़ोटो कि जब से हमारी सरकार बनी है हमने वर्ल्ड क्लास जो है वो क्लासरूम्स बना दिए हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अब हर जो है बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकलकर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, फिर अब ये चीज़ क्यों आ रही है साहब? मैम समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, हम तो 2 साल से बिल्कुल घर बैठे, ना हमने एमसीडी के स्कूलों में काम किया है, हमें नहीं पता सैलरी कैसी होती है, 2 साल से हमें बिल्कुल भी नहीं पता, हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा, इतना मुश्किल हो रहा है, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, फ्री चीज़ें कर रहे हैं, फ्री हमें चाहिए नहीं कुछ भी, हमें अपने हक का चाहिए बस, हम मेहनत करेंगे और खाएंगे बस, तो हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम यहीं जमे रहेंगे बिल्कुल। लेकिन पुलिस का भी तो इस्तेमाल किया जाता है, फिर आप लोगों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, तब क्या करते हैं आप? हमारी कोशिश रहेगी, पूरी पूरी रहेगी मैम कि वो भी हमारा सपोर्ट करे। चलो एक इन्हीं से पूछ लेते हैं, जब आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं या जब बैरिकेटिंग क्रॉस करने की बात आती है या जब केजरीवाल के घर तक जाने की बात होती है, तो फिर जो है पुलिस फोर्स लगाकर जो है वो आप लोगों को रोक दिया जाता है, आपकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, उस समय क्या करें? मैडम उस समय हमारी हार नहीं होगी, हार होगी दिल्ली की उस शिक्षा मंत्री की जो ये कहती है कि हमारा शिक्षा मॉडल विश्व प्रसिद्ध है और जो खुद एक महिला है उसके शिक्षा मंत्री रहते हुए दिल्ली की महिलाओं पर अत्याचार होगा, तो ये हमारा अपमान नहीं, खुद शिक्षा मंत्री का और साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपमान होगा। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की सरकार से?
हमारी कोई मांग नहीं, हम सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं जो हमें हमारी नियुक्ति के समय दिए गए थे। लेकिन केजरीवाल सरकार के अंदर हमें नहीं पता सरकार या अधिकारी किसकी गलती की वजह से हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं। जब तक वो हमारे अधिकार हमें वापस नहीं दिए जाते, जैसा 2012 से समग्र शिक्षा चलता आ रहा था, टीचर्स की नियुक्ति जिन शर्तों पर होती थी वो लागू नहीं होते, हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, अगर एक पोस्टर पे नजर जो है वो दौड़ाई जाए तो आप देख सकते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं, वो यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो लिख दी है। साथ ही जो 1300 SSC शिक्षकों को वापस SSC में लिया जाए, ये इनकी प्रमुख मांग है। और साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि पहले ये 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते थे, वही ट्रेनिंग इनको दी गई थी, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने की पढ़ाई जो है वो इन लोगों ने की थी, लेकिन अब इनको प्राइमरी में भेज दिया गया है। बहुत अलग जो है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का तरीका होता है, उनके लिए अलग से क्लासेस जो है वो टीचर्स को दी जाती हैं। अब देखना यही रहेगा कि जो मांगे लेकर ये लोग आज यहाँ पर बैठे हैं सरकार के पास, सरकार के आवास से कुछ ही दूरी पर जो है ये लोग बैठे हैं, इनकी मांगों को सरकार कितनी जल्दी सुनती है। जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार अपनी शिक्षा का ढिंडोरा जो है वो लगातार पीटने पर लगी हुई है, अपनी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, हम क्लासेस को अच्छे तौर पर बढ़ा रहे हैं, शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस क्लासेस में शिक्षक शिक्षा देता है वो आज सड़कों पर है, महिलाएं हैं बच्चों के साथ यहाँ आए हैं, अपना दर्द रो रो कर बयां कर रही हैं। यानी कि भविष्य को आगे बढ़ाने वाला, भविष्य हमारे जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनको, उनका भविष्य बनाने वाला जो शिक्षक है वो आज सड़कों पर है। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।